ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। यू लेट कर लिया थीटा स्क्वायर माइनस वन, तो डी यू क्या आ जाएगा, टू थीटा डी थीटा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, एट थीटा डी थीटा, तो हम फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा फोर डी यू इज इक्वल टू एट थीटा डी थीटा। पुट करते हैं वैल्यूज, तो ये आ जाएगा फोर डी यू, और साथ में क्या आ जाएगा यू, और इसकी पावर क्या है, ऊपर थ्री है, इसका मतलब वन बाई थ्री पावर है, और साथ में डी यू। ठीक है, अगर ऊपर कुछ भी ना हो तो पावर क्या होती है, वन बाई टू, लेकिन अगर ऊपर थ्री फोर फाइव या कुछ भी हो तो हम वन बाई वो वाली वैल्यू लिखते हैं। तो फोर इसकी इंटीग्रेशन ली, तो क्या आ जाएगा यू की पावर वन बाई थ्री प्लस वन क्या होती है, फोर बाई थ्री, और डिवाइड बाई फोर बाई थ्री प्लस सी। तो ये देखें, ये फोर इस फोर से कट जाएगा, तो ये थ्री ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री यू इज पावर फोर बाई थ्री प्लस सी। तो थ्री यू की वैल्यू हमने हमारे पास क्या थी, थीटा स्क्वायर माइनस वन, तो इसकी पावर है फोर बाई थ्री प्लस सी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 18 का।